सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। और आज हमारा जो वीडियो है, आज हमारी होने वाली है जो ये माउंट आबू ट्रिप थी उसके फाइनल डे। तो आज हम जा रहे हैं अभी नाथद्वारा के अंदर। जो हमारा जो फर्स्ट डे था उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, तो आज एक बार और ट्राई करेंगे कि हो सके तो शायद दर्शन कर लें। तो हम जिस होटल में रुके हुए थे वो था होटल ब्लिस उदयपुर, और काफ़ी बढ़िया होटल था। हमको अराउंड 1500 रुपये के अंदर यहाँ पर रूम मिल गया। और भाई साहब इधर जो व्यू है, तो कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है हमारे होटल के जस्ट बाहर से, और हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क है। व्यू भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। ये है उदयपुर की रोड्स। तो भाई हाल फिलहाल तो अभी क्या करते हैं, फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं नीचे। हमारा मतलब सामान पैक करते हैं, क्योंकि वो लोग हैं तैयार हो चुके हैं, हम लोग अभी भी तैयार नहीं हुए। तो फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं। अब सामान लोड करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और निकलते हैं नाथद्वारा के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे अभी बोर्ड हो चुके हैं और आप बस निकल रहे हैं। रेडी? यस। ये गूगल मैप पे सेट कर दो। तो यहाँ जो लाइन लग रही है वो है पास लेने के लिए लाइन लगी हुई यहाँ पे। भाई साहब अभी टाइम हो गया है, 1 बज चुका है और हम लोगों ने जो श्रीनाथ जी के दर्शन थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कर लिए। तो दर्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो निशुल्क जो दर्शन है उनके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट कीजिए, और उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे मतलब मैक्सिमम एक अकाउंट से आप 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ आने से पहले ही अगर वो चीज़ करवा के रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ऑफलाइन ग्राउंड के अंदर से बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप लोग ये व्यवस्था पहले से करके आइए। और जैसे कि हम लोग आते ही तुरंत फिर वहाँ पे कोई दामोदर धाम था, जहाँ से कि जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था उनके थ्रू ई पास बने थे, वो पास वहाँ से हमने उनका प्रिंट आउट लिया, और फिर दामोदर धाम से हमने प्रिंट आउट लेके वहाँ पर डाया भवन है आगे, जहाँ पे आप अपने मोबाइल को जमा कराना पड़ेगा। शूज़ वगैरह रखने के लिए वहाँ पे रैक्स वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पे आप शूज़ वगैरह भी जमा करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एंट्री कहेंगी। काफ़ी ठीक व्यवस्था लगी, जैसे कि हम लोग इनिशियल लिए थे, मतलब शुरुआती। हाँ राइट।
हम लोग जैसे शुरुआत में गए थे इसलिए हम लोगों का काफी बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए। फिलहाल हम जो शिव जी की बड़ी स्टेचू है वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए। अभी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे दर्शन ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन बाहर से जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। तो चलो फिर फटाफट वहाँ पे निकलते हैं, अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो रहा है, हमारे पास गाड़ी थोड़ी बड़ी है, अब मैं थक रहा हूँ तो आप मिलता हूँ आगे वहीं पे, है ना। तो भाई साहब ये है वो शिव जी की मूर्ति जो कि बहुत बड़ी है, और इसके जो मतलब ये इनिशियल जब बन रही थी, हम लोग जब राजस्थान की ट्रिप पे सबसे पहली बार आए थे तब ये मूर्ति यहाँ पे बन रही थी, और अभी देखो भाई साहब काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन अभी भी लोग बता रहे हैं कि जो ये मूर्ति अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। बाकी हम लोग इसका जो रास्ता है अंदर से जाने की कोशिश करी, लेकिन भाई साहब रास्ता है ना बिल्कुल भी नहीं मिला अभी, तो हाल फिलहाल तो वहाँ पे जा नहीं पा रहे, और अभी फ़िलहाल हम यहीं से देखेंगे इसको। तो आप लोग भी एक बार इसको यहीं से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम निकलते हैं सीधा जयपुर की साइड। तो ये मेन गेट बन रहा है जो कि मेन एंट्री के लिए बनेगा यहाँ नाथद्वारा में। टाइम हो गया 5:46 और हमारा जो ये ट्रिप था ये अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हम लोग बस जयपुर पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। तो ये जो ट्रिप था ये मान लो न्यू ईयर ट्रिप था, और साथ के साथ जो ये पूजा जी हैं उनका बर्थडे था, तो दोनों काम हो गए हमारे। तो हम तहे दिल से थैंक यू करना चाहते हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी को और उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर ऋचा कहाँ गई हाँ डॉक्टर रीचा को। तो कुल मिला के ट्रिप सक्सेसफुल रहा, हम लोगों ने ट्रिप कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना है, अगर आपको और अच्छा लगता है आप किसी अपने फ्रेंड दोस्त मित्र भाई बहन किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बस यूँ ही साथ बने रहिए, और हमारी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @samkumar पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।